जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आया तुझे एक बार बताने से समझ में नहीं आता? नहीं आता मुझे समझ में, क्योंकि अकेले जी जी कर मैं उकता गई हूँ, और तुम लोगों ने अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं बावड़ी में कूद कर जान दे दूंगी। छाया क्या बोल रही है ये? आई, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझ पर गुस्सा आएगा तुम्हें, आएगा ही ना। गलती तो मेरी है, तू मुझे मार, लेकिन इस शादी से इनकार मत करना। अरे दत्ता, मुझे नहीं लगता क्या कि मेरी बेटी का भी भला हो? छाया की मुझे भी फिक्र है। जब वो इस घर में वापस आई थी ना, तब मुझ पर क्या गुजरी थी मैं ही जानती हूँ। दिल के टुकड़े हो रहे थे, और अब फिर से उसकी शादी करवा दे, वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसको हम जानते नहीं है। वो कैसा है हमको पता नहीं। ये बात समझ आती है तुझे? हाँ माधवा, अच्छा हुआ आ गया, पता है ना घर में क्या चल रहा है। अरे छाया की शादी करवाने जा रहे हैं और मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। ये सही लग रहा है ना तुझे? अरे क्या पूछ रही हूँ मैं, समझ गई मैं। तुझे भी ये सब कुछ पहले से पता था ना, और तूने भी ये बात मुझसे छिपाई। कुछ भी हो तो तुम लोग मुझे आकर बताते थे, और अब इतने बड़े हो गए कि इस घर के निर्णय मुझसे छुपा कर लेने लगे। अरे आई, ऐसी बात नहीं है। दत्ता ने जो भी निर्णय लिया है वो छाया की खुशी के लिए लिया है, और मैं भी दत्ता से सहमत हूँ। छाया की तरफ देखो, वो ऐसे रोते रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अरे उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी वो अकेले ही गुजारेगी क्या? ऐसा ना हो, लेकिन कल को उसने कुछ भला बुरा कर लिया तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग होंगे ना। बताओ। भाई प्लीज, आप एक बार खुद को छाया की जगह रखकर देखिए ना। आई मान लो ना, एक बार सोच लो। हाँ ना, शादी से पहले छाया के लिए मैंने बहुत किया है, लेकिन जब से वो घर आई है मैंने छाया के लिए कुछ भी नहीं किया है। बचपन में छाया छोटी छोटी बातों के लिए जिद किया करती थी, कभी आम ले आ, कभी करौंदे ले आ, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, और मैं उसके लाड़ पूरे करता था। तब तुम खुशी से मेरी तरफ देखती थी, और अब मैं जिद पूरी कर रहा हूं तो तुम ना कह रही हो। दत्ता, अरे क्यों इतनी मिन्नतें करते हो, वो नहीं सुनेंगी। आई एक बार मेरे बारे में सोचो, ऐसी अवस्था में मैं कैसे दिन गुजार रही हूँ इसके बारे में सोचो। आई बाबा अभी गए, फिर भी तुम्हारा क्या हाल है ये हम सब देख रहे हैं। एक बार मेरे बारे में सोचो, मुझे कैसा लगता होगा। ये सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हैं, रमना ही चाहिए, इसमें इनकी गलती नहीं, उनकी गृहस्थी है, उनको देखना पड़ेगा। पर मेरा कौन है? तुम्हारे सिवाय कौन समझ सकता है ये? बोलो ना आई, तुम्हें मेरी चिंता है ना, तो तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि मैं ऐसी ही रहूं? मेरी आई को अगर ऐसा ही लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, तो मैं ऐसे ही रहूंगी। छाया तू ये क्या बोल रही है? अरे कौन सी आई अपनी बेटी को इस तरह देखना चाहेगी?
घर में वापस आई हुई बेटी, कल को अजय ने तुझे अच्छे से नहीं संभाला तो क्या करूंगी? लोग क्या कहेंगे? चलो लोगों को छोड़ो, अरे तेरा क्या होगा? यही बात सोचकर मैं बहुत डर जाती हूँ रे। आई सही कह रही है। भाभी, आप भी? हाँ, आई का डर योग्य है। पर भाभी, दत्ता भैया, आपकी भी एक बेटी है, उसका हाथ किसी के हाथ में देते वक्त आप विचार करेंगे ही ना? तो छाया की दूसरी शादी कराने से पहले हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए क्या? ये अजय कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। करेक्ट है, उस अजय की पूरी जानकारी निकालनी होगी। छाया, ये जो हम सोच रहे हैं ना, वो तेरे भविष्य के लिए, तेरे सुख के लिए है। और पूरी जानकारी निकालने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। बराबर है, हमें पूछताछ करनी होगी। मेरी बेटी का सुख मुझे देखना ही पड़ेगा, और इसीलिए ये अजय कौन है ये मुझे पता लगाना है, और ये जिम्मेदारी तुम तीनों भाइयों की है। अजी, यहाँ आइए। अरे, घर में छाया की शादी की बात चल रही है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, उस अजय के साथ क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर ये शादी होनी चाहिए। तुझे तो बड़ा छाया पे प्यार आ रहा है। मुझे और छाया पे प्यार? कुछ भी बोलते हो। अजी, ये शादी हो ऐसा मुझे लगता है। देखिए, शादी होगी तो चहल पहल होगी और अलमारी के गहने बाहर निकाले जाएंगे। मेरी बात सुन, वो विश्वास राव भी घर में ही होंगे, ये मत भूलना तुम। मुझे पता है वो। अरे, पर शादी की गड़बड़ी में किसे पता चलेगा? देखो, अभिराम भाऊ की शादी के वक्त भी हमें मौका मिला था, पर आपने गहने उड़ाए ही नहीं। अब इस बार यदि शादी होती है तो गहने अंदर कर लेना। एक बार गहने हाथ लग गए तो जेल में चक्की पीसेंगे हम दोनों। हा? कुछ भी मत बोलिए आप। हा? तुझे क्या लगता है, उस विश्वास राव को पता नहीं चलेगा? बराबर ढूंढ कर निकालेगा किसने गहने चुराए हैं। तो इसीलिए अब दिमाग में से ये निकाल दे। अरे, हमेशा गहने गहने करती है। पर सुनिए तो, गणेश बाबा, माधव काका, अभी काका सब तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ दादी की हाँ चाहिए हमें। और अगर उन्होंने हाँ नहीं कहा तो? मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर वो हाँ कहेंगी, ऐसा तुझे क्यों लगता है? बुआ, वो आपकी खुशी में दादी खुशी होंगी ना। हाँ ना, तो ये तीनों भाइयों के तैयार होने के बाद भी उन्होंने तमाशा क्यों किया? उन्होंने भी हाँ कह देना था ना। उन्होंने कहा ना कि वो बताएंगी। पर गणेशा, मुझे डर लग रहा है। अब किस बात का डर है?
तुझे सब समझ में आता है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।